रिपब्लिक भारत आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। गिरिराज जी को पार्टी ने चुनाव प्रचार में लगाया है। गिरिराज जी बहुत कुछ गंभीर बातें कहते हैं और गिरिराज जी वही है जिन्होंने जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको वहाँ से बुरी तरह हरा के भेजा था, तो पार्टी ने उनको भी भेजा है स्वागत। यहाँ पार्टी के बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं। मेरा डेवलपमेंट बेस्ड प्रचार है। हम लोगों ने इस क्षेत्र में पहली बार मेट्रो लाए, पहली बार नदी पे सिग्नेचर ब्रिज बनाए इतना बढ़िया, पहली बार शास्त्री पार्क का जाम हटाए, पहली बार रेलवे स्टेशन बनाए, पहली बार सेंट्रल स्कूल लाए, पहली बार एलिवेटेड रोड लाए, तो अभी हमें इसको आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक बहुत बड़ी बात कही है, हमें इस देश के प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है, हमें इस देश के प्रत्येक नौजवान को 20 लाख रुपए देना है, वो अपना रोजगार करे और अर्निंग करने के बाद पैसे वापस कर दे, हम उसको इंटरेस्ट ना के बराबर रख रहे हैं। हमें इस देश में अब 70 साल के बुजुर्ग को इलाज के पैसे के लिए किसी और पे आश्रित नहीं रखना है, 5 लाख का इलाज खुद देना है, और अभी तक 4 करोड़ 18 लाख को घर दिया, आगे 5 साल में 3 करोड़ और घरों को, बेघर को घर देना है, 3 करोड़ बहनों को जिनके पैसे पास में 500 हजार होंगे उनको लखपति बनाना है, ये हमारा अगला प्लान है। कांग्रेस ने ठाना है कि उसको राम मंदिर में ताला लगाना है, 370 वापस लगाना है। कांग्रेस ने कहा है कि हम हिंदुओं की संपत्ति को मुस्लिम समाज में बांटेंगे, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश की जनता वोट करेगी। और मैं हिंदू मुसलमान सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस की नफरत फैलाओ, दंगा कराओ नीति से दूर रहें और इनको देश को बांटने की कोशिश के लिए सबक सीखें। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि एक साल के अंदर भारत का नंबर वन चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की, वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की जरूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूं।